आगासोद रेलवे स्टेशन के पास गिट्टी लगने से 16 वर्षीय बाल मजदूर की मौत, पुलिस ने किया मर्ग कायम। दरअसल आगासोद थाना क्षेत्र अंतर्गत आगासोद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे 16 वर्षीय नाबालिग मजदूर की गिट्टी लगने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय किशोर नरेंद्र प्रताप दीवान निवासी ग्राम पिपरई आगासोद स्टेशन के पास ट्रैक मेंटेनेंस कार के चलते पंकज गुप्ता झांसी ठेकेदार के अंडर में मजदूरी कर रहा था और तभी तेज रफ्तार में ट्रेन निकलने से गिट्टी उछलकर किशोर के सीने में जा लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बेहोशी हालत में किशोर को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही जीआरपी सिविल अस्पताल पहुंच गई और पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं जीआरपी ने मृतक किशोर के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। जीआरपी ने मामला जीरो पर कायम किया है और डायरी आगासोद थाने भेजेगी, जिसके बाद मामले की जाँच आगासोद पुलिस के द्वारा की जाएगी। ठेकेदार ले आए थे तो काम करवा रहे थे, मैंने भी कई बार चेत मत जा तो नहीं माने। क्या नाम है ठेकेदार का? पंकज गुप्ता। वो कल शाम को 6 बजे एक नरेन नाम का युवक 16 वर्षीय हमारे पास आया था, जो कि ब्रॉड डेड था। उसको परिजनों ने बताया कि उसको ट्रेन के बाजू में वो काम कर रहा था, गिट्टी लगने के कारण उसको लेकर आए थे। जी, मैंने अभी उसे उसका पीएम किया 10:30 बजे।